वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग, 26 जून को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से होगा चयन, इस तारीख को मिलेगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। यूपी सरकार ने कहा कि 28 और 29 जून को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होगी, जबकि 30 जून को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यूपी में बदलेगी अब मदरसों की सूरत, नए सेशन से मोबाइल ऐप पर पढ़ेंगे मदरसा बोर्ड के छात्र। यूपी में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर मदरसा बोर्ड एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार यूपी के मदरसे में पढ़ने वाले 2.5 लाख से अधिक छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। नए सत्र से मदरसा बोर्ड के छात्र भी मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। मदरसा बोर्ड के सदस्य जिरगामुद्दीन ने बताया कि मोबाइल ऐप तैयार करने का प्रस्ताव बोर्ड को भेज दिया गया है। अब बिजली बिल बाकी होने पर पहले की तरह नहीं कटेगा कनेक्शन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से परेशान उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं ने अगर पिछले 2-3 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है तो उनके लिए राहत की खबर है। 2-3 महीने से बिल न जमा कर पाने वाले उपभोक्ताओं की बिजली अब नहीं कटेगी। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऊर्जा विभाग के अफसरों को साफ निर्देश दिए कि कल बिजली बिल की वसूली करने के लिए केवल पुराने बड़े बकायेदारों के ही कनेक्शन काटे जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग में 3 साल से एक ही जगह पर जमे कर्मियों का होगा ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ने लंबे समय से एक ही जिले और मंडलों में जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का फैसला किया है। 10 जुलाई तक लेखाकार, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ संप्रेषक, कनिष्ठ संप्रेषकों का तबादला भी अवरोही क्रम में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने यह आदेश जारी किया। यूपी के युवाओं के लिए घर बैठे नौकरी का मौका। यूपी सरकार सेवा योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय लालबाग लखनऊ के द्वारा कल 26 जून को ऑनलाइन रोजगार मेला किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3 कंपनीज ऑनलाइन प्रतिभाग कर रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए आवेदन विभागीय पोर्टल पर कर सकते हैं। रिजल्ट की तैयारियां पूरी, जुलाई में होगी घोषणा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक घोषित किया जाएगा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम एक ही दिन घोषित किया जाएगा। अभी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की डेट की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि जुलाई तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी डेट पहले ही बता दी जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी सतर्क, सीएम योगी ने दिए निर्देश। देश के कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस संक्रमण के नए मामले मिलने से सतर्क उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जरूरी रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कल कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस संक्रमण के मरीज सामने आए हैं, हमें विशेष सतर्कता बरतनी होगी। पूर्व विधायक राव वारिस की आरएलडी में वापसी, मुस्लिम जाट गठजोड़ से पश्चिमी यूपी की राजनीति के बदल रहे समीकरण। एक बार फिर से वेस्ट यूपी की सियासत अंगड़ाई ले रही है। यहां पर मुस्लिम फिर से आरएलजी के नजदीक आता जा रहा है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व विधायक राव वारिस व उनकी मां राव मुसर्रत ने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिए, जिससे राजनीतिक हलचले बढ़ गई हैं। यूपी के 31 शहरों में इस नए और आधुनिक तरीके से रोका जाएगा वाटर पॉल्यूशन। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए राज्य स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी गई। इसके लिए एक सेप्टेज मैनेजमेंट योजना तैयार की गई है, जिसके तहत घरों के शौचालयों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल को ट्रीट किया जाएगा। शहरों के इन इलाकों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने वाले हैं। पहले फेज में राज्य के 33 शहरों को इसके लिए चुना गया है। भाजपा बड़े व्यापारियों की पार्टी, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा बड़े व्यापारियों की पार्टी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना काल में बदहाली झेल रहे छोटे दुकानदारों से मुलाकात की है। उन्होंने भाजपा सरकार से छोटे व्यापारियों के मुद्दे पर सवाल पूछते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के छोटे कारोबारियों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन ने हेल्थ ऑफिसर के पदों पर निकाली बंपर भर्तियां। नर्सिंग में डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर चुके युवाओं के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 2800 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आगामी 30 जून से योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। कुशीनगर से जल्द शुरू होगी उड़ान। उत्तर प्रदेश जल्द ही हवाई सेवा में भी देश में नंबर 1 होगा। आने वाले 1-2 सालों में यहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। जल्द ही 21 एयरपोर्ट्स और 7 हवाई पट्टियां ऑपरेट होंगी। उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए योगी सरकार का कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा जोर है। एक तरफ जहां सूबे में बुलेट ट्रेन दौड़ने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार प्रदेश में मेट्रो रेल और हाईवे व एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के साथ ही एयर कनेक्टिविटी पर फोकस कर रही है। सरसों के तेल व रिफाइन के बाद पाम ऑयल के मूल्य में भारी गिरावट। सरसों का तेल रिफाइन के बाद पाम ऑयल की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। सरसों का तेल 185 से घटकर 165, रिफाइंड 175 से घटकर 155 और पाम ऑयल 145 रुपए लीटर से घटकर 118 रुपए पर आ गया। ये गिरावट 15 दिन के भीतर हुई। पाम ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मध्यवर्गीय परिवार, बेकरी, नमकीन बनाने की फैक्ट्री, होटल व रेस्टोरेंट में किया जाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात का किया स्वागत, बोली उचित पहल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं के होने वाली बैठक का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर कुछ ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में बैठक उचित पहल है। यूपी में कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा वार, 24 दिन में वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार कर दिया। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। मिशन जून के तहत 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य राज्य सरकार ने 6 दिन पहले पूरा कर लिया है। इसे सरकार के वैक्सीनेशन अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त प्रधानों को लिखा पत्र, मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान पर दे जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की सरकार के मुखिया नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करने के बाद अब पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से अलर्ट मोड पर रहने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनको बधाई दी। इसके साथ ही पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से प्रधानमंत्री मोदी के मेरा गांव कोरोना मुक्त के ध्येय को साकार करने के लिए योगदान देने का आग्रह किया। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने दी बड़ी सुविधाएं। गर्भवती को स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना में वित्तीय सहायता दी जाती है। गर्भवती को ये वित्तीय सहायता 3 किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त के रूप में 1,000 रूपए गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराने के समय दिए जाते हैं। दूसरी किश्त गर्भावस्था के 6 माह बाद जांच कराने पर दी जाती है। दूसरी किश्त में 2,000 रूपए दिए जाते हैं। डिलीवरी के बाद बाकी रकम तीसरी किश्त के रूप में दी जाती है। यूपी में अभी 1 हफ्ते तक बरसात के आसार नहीं, मॉनसून की चाल धीमी पड़ने से मायूसी। यूपी के अधिकांश इलाके में मॉनसून की चाल कमजोर पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 1 सप्ताह तक बरसात के आसार नहीं। यूपी के ज्यादातर इलाके इस वक्त भीषण गर्मी और उमस झेल रहे हैं। लखनऊ में मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। अगले 1 हफ्ते तक बारिश की उम्मीद धूमिल पड़ गई है। दस्तकारों के हौसले में उड़ान भरेगी विरासत, मिलेगा 10 लाख तक का रेंट। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के दस्तकारों के हौसलों को अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम उड़ान देगा। दस्तकारों को 10 लाख का ऋण मामूली ब्याज दर में दिया जाएगा। इससे वो अपने लिए मशीनरी, औजार और उपकरण खरीदकर उद्यम को बढ़ा सकेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश भर में 2400 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य घोषित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 4,000 रूपए पाने के लिए आपके पास है मौका। जिन्होंने अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसे पात्र किसान 30 जून से पहले पीएम किसान में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 4,000 रूपए पाने के हकदार हो जाएंगे। उन्हें ताबड़तोड़ 2 किश्तें मिलेंगी और आपका ये आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो जुलाई में आपको 2,000 रूपए मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रूपए की किश्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इन बैंक में आपका अकाउंट है तो पीएफ से नहीं निकाल पाएंगे रकम। बैंक के मर्जर की वजह से कई बदलाव हुए हैं। जिन बैंकों का मर्जर हुआ है उसके अब आईएफएससी कोड बदल गए हैं। इसे देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने सभी पीएफ अकाउंट धारकों को अपने खाते को अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। निजी और सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड की कटौती करता है। बम्पर ऑफर, 30 जून तक सिर्फ 9 रुपए में बुक करें गैस सिलेंडर। अगर आप भी गैस सिलेंडर बुक करने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 9 रुपए में बुकिंग करने का खास मौका है। जी हां, अब आप 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में बुक कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय बचा है।
यानी आप सिर्फ 30 जून 2021 तक इसका फायदा ले सकते हैं। पेटीएम ने इस ऑफर का नाम फर्स्ट टाइम दिया है। यूपीपीएससी में 1 जुलाई से शुरू होंगी सीधी भर्ती के इंटरव्यू, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 जुलाई से साक्षात्कार का दौर शुरू होगा। सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर कई बंदिशें लगाई हैं। अभ्यर्थियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। अब कमर्शियल बैंकों में रखी जाएंगी केंद्रीय योजनाओं की धनराशि, नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय योजनाओं से संबंधित धनराशि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जगह कमर्शियल बैंकों में रखी जाएगी। अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश में 23 सितंबर 2015 के शासनादेश के जरिए व्यवस्था की गई थी कि विभाग राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली किसी भी धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वित्त विभाग की अनुमति के बाद खाता खोल कर रखेंगे। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में फिर बड़ी कोरोना मरीजों की संख्या, 229 नए मामले सामने आए। यूपी में योगी सरकार की नीतियों के चलते बीते 24 घंटे में 271,374 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 229 नए संक्रमित सामने आए। इस लिहाज से 24 घंटे में नए मरीजों का ग्राफ बढ़ता नजर आया। यूपी में स्वास्थ्य विभाग की टीम्स की ओर से तेजी से की जा रही कोरोना जांच के चलते टेस्टिंग का कुल आंकड़ा 5,62,71,231 तक दर्ज किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।